हाय देयर, वेलकम टू कचिन्स क्रिस्टल बॉल प्रेडिक्शन। और आज का मैजिक पता नहीं यहाँ पर नहीं होने वाला है, फील्ड पे होएगा। गो गेट इट। लेकिन आज का मैच के बारे में पूरा जानकारी देने के लिए आ रही है और आ रहे हैं रॉनी साल्सकर एंड अपना आपका सबका विमला का वनमाला। इसलिए गिव मी सम टाइम टू से गुड बाय, आई विल बी बैक वेरी सून, सी यू टुमारो। हाय। कचिन चला गया अपना क्रिस्टल बॉल छोड़ के। वाओ, क्या मैच होने वाला है आज, मुंबई वर्सेस पुणे। बाप रे बाप, पुणे तिथे काय काय नाही होणे आणि मुंबई हमेशा जीतेगा। ये हम सब मुंबई के फैंस बोलने वाले, मुंबई मुंबई, मुंबई मुंबई। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेंशन तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम क्वालिफाइंग राउंड है और जो टीम ये मैच जीतेगा स्ट्रेट जाएंगे फाइनल में। जो टीम ये मैच हारेंगे उनको और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा एलिमिनेटर राउंड में। बाप रे, यानी कि कल जो मैच है हैदराबाद वर्सेस कोलकाता, वो जो भी जीतेगा, वो जो आज हारेंगे वो उनको फेस करेंगे, और अगर वो जीता तो ये वापस फाइनल में चले जाएंगे। मतलब कल का मैच में इसलिए नंबर वन और टू होना बहुत ज़रूरी था पॉइंट्स टेबल में। ये सबको अभी याद आएगा 10 साल के बाद। या एनीवेज, थोड़ा टेंशन है टीम के कॉम्पोजिशन में। बेसिकली मुंबई की टीम में हमने पहले भी डिस्कस किया, कचिन जी भी कितनी बार बता रहे थे कि लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए, है ना। अभी कालीवुड उस दिन रायडू को ले लिया, रायडू ने पूरा ऐसा झगड़ा बगड़ा कर दिया अपने टीममेट के साथ। माय गॉड, क्या है, मुंबई टाइम्स में आना है आपको या बॉम्बे टाइम्स मैगजीन में आना है आपको, न्यूज़पेपर जो भी है पूरा एडवर्टाइजमेंट या कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करा है, या बिग बॉस में आपको चांस मिलेगा। हाँ, ऐसे ही झगड़ा करता रहा रायडू ना, तो 100% इस सीजन में बिग बॉस में उनको आने का बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज उन्हें भी झगड़ालू लोग चाहिए, जरदालू। एनीवे, क्या करेंगे अभी, या अपने टीम में एक आदमी चला गया, जॉस बटलर। चाय लाना, बटलर को नहीं बोल रहा था। वो चला गया अपने देश के लिए खेलने के लिए, जिसके ऊपर केविन पीटरसन बहुत भड़क गए, ऐसा क्यों आए करके कुछ बोलने लगे। केविन, तुम तो खेल भी नहीं रहे, चुप रहो ना थोड़ी देर के लिए, जस्ट शट अप यहाँ। और पुणे की टीम से स्टोक्स चला गया, ही हैज गॉन बैक टू हिज कंट्री, यू नो, बेचारा स्टोक्स। आई जस्ट लव स्टोक्स एंड आई लव दिस स्ट्रोक्स ऑल्सो। उछाल के मारते थे, नीचे से मारते थे, स्वीप करते थे, जोर से मारते थे, बड़ा मजा आता था शॉट मारने का टाइम। माई गॉड, ओहो स्टोक्स, कैन आई स्टोक यू, विल यू स्टोक माई पायो। या तो ये सब चल रहा है, या अभी क्या होगा मुझे पता नहीं मैच में, लेकिन मैच के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए विमला आएगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। हाय देयर, क्रिकेट डेफिनेशंस, वाओ। और आज का डेफिनेशन है सुपर ओवर। बाप रे, सुपर ओवर तब होता है जब आप सुपरमैन की फिल्म देखने जाते हो और वो पिक्चर खत्म हो जाता है, सुपरमैन फिल्म ओवर, मैन लिखा नहीं था। नॉनसेंस, बट आई लव इट। आरा, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू विमला का वनमाला। आज वनमाला किसको पहनेगा मेरे मालूम रहा है, मुंबई जीता था वनमाला उनको भी पहनेगा, और अगर पुणे जीता तो उनको भी वनमाला पहनेगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं ज्यादा। लेकिन कालीपुर इधर लफड़ा होता रहता है, इधर जीतना चाहिए। आज क्या होगा मेरे को मालूम है, धोनी का गोनी भरेगा या गोनी धोनी को छोड़ के चला जाएगा। आज क्या बोला मेरे को मालूम है, शिवन स्मिथ अच्छा आदमी है, सब लोग अच्छा आदमी है, ताहिर भी बहुत अच्छा रहा, ताहिर क्या रहा, तो आज इतना इंजर्ड हो गया, इतना हाथ में कुछ लग गया, ऐसा आ जा, हम लोग को जीतने रहे, मुंबई को जीतने थे, ऐसे मेरे को बोलने का। हाँ रोहित शर्मा क्या रहा राजा, तू कभी आता अच्छा खेलता, कभी ऐसा चल के जाता है, कुछ भी करता है, ऐसे शॉट मार के कभी क्या लगता तू पूरा डबल सेंचुरी मारेगा, और ऐसा लगता है सडनली तू ऐसे कुछ मार के चला जाता रहा, ऐसे करने कर रहा क्या राजा, तेरे को पूरा नजर उतर के देता। हाँ रोहित शर्मा डरने के नहीं रहा, पूरा तेरा नजर उतार देगी, आज सब कुछ ठीक होगा, अच्छा से खेलेगा तू, सिक्स मारेगा, फोर मारेगा, मारता रहेगा, रन बनाएगा, अच्छा डिसीजन लेगा, कैच पकड़ेगा, रन आउट करेगा, सब कुछ करेगा। अरे राजो 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 रोहित शर्मा नजर उतर दिया, कटाक टूटाक पूरा नजर उतर दिया, आज का मैच तू ही जीतेगा, ऐसा मेरे को बोलने का मानना है और दिल से मैं बोल रहा हूँ। एनीवे, ये क्रिस्टल बॉल अपने सामने है, इसको हाथ लगा के छू के देखता हूँ ये क्या बोल रहा है, क्या राजा 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 आ छोड़ना आना। आज का मैच पहली बार क्रिस्टल बॉल ऐसा कुछ गड़बड़ वाला डिसीजन दे रहा है, करा चुप, ऐसा नहीं हो सकता, एक्चुअली राजू बोल रहा है।
ये बोल रहा है कि आज का मैच भी मुंबई जीतेगा। ऑल द बेस्ट मुंबई, वेल प्लेड पुणे, तुम लोग और एक चांस है, शायद फाइनल में मुंबई वर्सेस पुणे ही हो सकता है। हम सबको मालूम आ रहा, टेंशन न लेने का, नजर उतार दिया, अच्छे से खेलने का, पॉलर्ड जाके माराड। थैंक यू रा, टाटा गुड बाय। हाँ टाटा गुड बाय कह रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या वाह, दोनों आगे साथ में वाह।